ये घटना अभी घटित हुई है। अमिताभ बच्चन नाम का एक फिल्म एक्टर है, इसकी कहानी है। थोड़े दिन पहले ये बीमार था और आपको याद है इसका ऑपरेशन हुआ पेट और 9 घंटे तक ऑपरेशन चला। इसको बीमारी क्या हुई, डायवर्टिकुलाइटिस, बड़ी अंतड़ियों का रोग होता है और इसमें अंतड़ियां सड़ जाती है। तो जिस डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया उसको मैंने एक बार पूछा कि भाई आपने 9 घंटे अमिताभ बच्चन का क्या ऑपरेशन किया, तो उसने कहा कि उसकी बड़ी आंत सड़ गई थी, जगह जगह से उसको काट के निकाला। तो 9 घंटे लगे, उन्होंने कहा हाँ लगे। तो ये काट काट के जो बड़ी आंत निकाली आपने, क्यों निकाली? तो उन्होंने कहा अगर नहीं काटता तो मर जाएगा, तो उसको बचाने के लिए ये किया। तो कैसे सड़ गई उसकी बड़ी आंत? क्योंकि बड़ी आंत तो साधारण लोगों की नहीं सड़ती, जो लोग बहुत शराब पीते हैं उनकी बड़ी आंत सड़ती है, जो बहुत सुअर का मांस खाते हैं जिसको पोर्क कहा जाता है उनकी बड़ी आंत सड़ती है, जो बहुत ज्यादा गुटखा खाते हैं उनकी बड़ी आंत सड़ती है, जो बहुत ज्यादा ये पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग और मैगी खाते हैं उनकी भी सड़ती है। लेकिन अमिताभ बच्चन ये कुछ भी नहीं करता, ना पिज्जा बर्गर खाता है, ना शराब पीता है, ना बीड़ी सिगरेट पीता है, ना गुटखा खाता है, कुछ नहीं करता, फिर कैसे सड़ गई? तब वो डॉक्टर ने कहा कि वो पेप्सी कोक पीता है रोज और इससे भी बड़ी आंत सड़ जाती है। और डॉक्टर ने कहा कि 10 साल से पीता है, 10 साल में उसकी बड़ी आंत सड़ गई। तो मैंने उस डॉक्टर को कहा आपने ये बात बताया अमिताभ बच्चन को? उसने कहा हाँ बता दिया। तो मैंने पूछा उसका क्या रिएक्शन है? तो अमिताभ बच्चन ने अगले ही दिन से पेप्सी का विज्ञापन करना बंद कर दिया। अब वो पेप्सी का विज्ञापन नहीं करता, पहले वो करता था, अब बंद कर दिया। जब मैं कंफर्म हो गया तो मैंने अमिताभ बच्चन को ईमेल किया और उसको ये सब बात कही। तो उसने कहा यस इट इज ऑल ट्रू, ये सब सत्य है, मेरी बड़ी आंख सड़ी, उसका कारण पेप्सी कोक है। तो मैंने कहा आप ये बात टीवी पे बोल रहे थे हाँ, कि मेरी बड़ी आंत सड़ गई है, उसका कारण ये पेप्सी कोक है, और आपके साथ अपने डॉक्टर को भी बिठा दो, वो बताएगा, क्योंकि ऑपरेशन उसी ने किया है। तो अमिताभ बच्चन ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चलो इस पर एक फिल्म बना दो आप कि पेप्सी कोक पीने से कैसे बड़ी आंत सड़ जाती है, 3 घंटे की फीचर फिल्म बना दो। तो उसने कहा ये भी नहीं कर सकते, क्यों, क्या तकलीफ है? तो उसने कहा कि मैंने इस कंपनी से 100 करोड़ रुपए लिए पेप्सी से, और जब रुपए लिए थे तो समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है कि जब तक ये कंपनी भारत में रहेगी मैं इसके खिलाफ बात नहीं बोलूंगा, कंपनी ने मुझसे लिखवा लिया, और अगर मैंने बोला तो ये कंपनी मेरे ऊपर 500 करोड़ का दावा करेगी, मुझे 500 करोड़ देना पड़ेगा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कंगाल और भिखारी हो जाऊंगा, इसलिए मैं ये बोल नहीं सकता। तो मैंने उसको पूछा मैं बोलूं? तो उसने कहा हाँ आप बोलो, आपने तो कोई समझौता नहीं किया कंपनी से। तो मैंने कहा मैं आपका नाम लेके बोलूं? उसने कहा हाँ मेरा नाम लेके बोल सकते हो, अगर मेरा नाम लेके आप बोलो और लोगों का कुछ भला होता हो तो मुझे इसमें आपत्ति नहीं है, आप मेरा नाम लेके बोलो कि अमिताभ बच्चन को पेप्सी कोक पीने से ये हुआ है। तो आप सोच लो ये पेप्सी कोक कितना खतरनाक है, इसलिए कभी भी गलती से मत पीना, किसी घर में आने वाले अतिथि को तो बिल्कुल मत पीना, अतिथि भगवान के समान होता है, उसको संडास साफ करने का पानी नहीं पिला सकते, ये आप ध्यान रखें।